आपका भाई आ चुका है अब जोश। ओ हुए, कितने इंच का बाजू होगा? मैं बच्चा हूँ यार छोटा सा, मेरी शादी भी नहीं हुई। टाइम आउट दे दो। अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। भाई साहब फहद भाई आज एक ऐसी जगह पर मौजूद है, आप लोग सोच के बोलोगे अरे फहद भाई आप ये कहाँ पे आ गए। अबे ये मैंने चश्मा क्यों पहना है? अबे आप लोग बता तो दिया करो यार, फहद भाई चश्मा उतार दो। आपको वो जगह मैं दिखाता हूँ, ये देखो वो ये रही वो जगह। अबे यार ये तो रेस्टोरेंट है, ये जो दरवाजा सामने देख रहे हो ना उस दरवाजे के अंदर है वो जगह। तैयार हो तुम लोग? सब सोचो क्या हो सकता है इस दरवाजे के पीछे। 1 2 3। ओ भाई साहब यहाँ तो फुल लड़ाई वड़ाई चल रही है। अरे भाई साहब ये तो फुल किकिंग शिकिंग मार रहे हैं। अरे भाई साहब अरे आराम से। अरे 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 भाई साहब अरे क्या हो गया? अरे अरे नहीं नहीं नहीं, लड़ाई नहीं करते भाई, अभी कोई शिकायत लगा देगा वो। यहाँ पे भी लड़ाई चल रही है, यहाँ पे भी लड़ाई चल रही है। सीरियस चल रहा है, ऐसा लग रहा है मैं इनके दरमियान हूँ मगर ये मुझे फील ही नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा है मैं गायब हूँ। अरे भाई साहब आप क्लब चेक करो, माशाल्लाह कितना बाप बना हुआ है और फुल माहौल बना हुआ है भाई। इधर तो यहाँ पे आपका भाई आता है ट्रेनिंग श्रेनिंग करता है, मजा ही आ जाता है, चस आ जाती है। फुल खतरनाक वाली ट्रेनिंग चल रही है भाई यहाँ पे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये पावर लॉर्ड द पावर अल्लाह फुल खतरनाक हो गया। इतनी सर्दी में भी इन सबके पसीने निकल रहे हैं। अबे भाई उसके कपड़े फट जाएंगे यार, कैसे पकड़ रहे हैं आप? अबे उसके कपड़े ना फट जाएं, पकड़ के दिखाएं एक दफा। अबे भाई कपड़े फट जाएंगे आराम से। अरे 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 भाई भाई, अरे भाई साहब कितनी हाइट है आपकी? 6। और वजन? 94। बंदा अगर केजी का बंदा किसी के ऊपर चढ़ भी जाए तो वो तो वैसे ही पचक जाए, आप तो उसके कपड़े पकड़ के उसकी ऐसी ही तैसी कर रहे हैं। माशाल्लाह। अरे भाई साहब ये तो जज्बाती होगा। आपका भाई भी ये वाली ट्रेनिंग करता था? वैसे तो मेरी कोई और फील्ड है, मैं क्योंकिशन कराटे ब्लैक बेल्ट हूं 5 डान, मगर ये जो चीज है ना इसमें इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, उठा के फेंकना होता है, ग्रैब करना होता है। खबीब को तो जानते होंगे ये वही वाला गेम है, बस थोड़ा सा स्टाइल चेंज है। हम लोगों को अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, ये थोड़ा सा अलग गेम है कि उसमें पकड़ते हैं और आपकी गर्दन दबोच के सांस ही रोक देते हैं, समझ रहे हो ना। बंदे से मिलवाता हूँ जिस बंदे की ये पूरी जगह है। ची पहुंच आ चू चू ची पहुंच हूं कैंसा चो मांगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अबे भाई ये चाइनीज नहीं है, ये जाकिर भाई है, हमारे प्यारे से कोच, हमारे प्यारे से बड़े भाई, और ये पूरा क्लब इनका है। और इतने खतरनाक है ना ये, अगर किसी को ग्रैब कर लेते ना तो उसकी सांसें क्या, उसकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है। नहीं यार जाकिर भाई मुझे आपने एकदम उठा के फेंका था, मुझे याद है, इतने खतरनाक है भाई आप, और आज फेंकेंगे ना उठा के फिर मुझे। अरे भाई साहब ये तो अभी से बोले आप तेरी मैं ऐसी की तैसी करूंगा। आप लोग जानवर देख देख के परेशान हो गए यार फहद भाई, आप जानवर दिखाते रहते हैं, शेर दिखाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। अब मैं आपको इंसानों के अंदर जानवर दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये इंसानों के अंदर जानवर है ये बंदा, इनके अंदर एक ऐसा शेर छुपा हुआ है जो जिगरे के अंदर है। आर यू रेडी फॉर फाइट? यस आई एम रेडी फॉर। ओ भाई साहब मुंह पे लग गई, अब ये सिर्फ पीछे जाके फेंक दे। ओ इससे क्या होगा, हाथ खत्म नहीं, ब्रेक हो जाएगा? अभी तो खत्म नहीं होगा। हाँ इसका जो टोज है बिल्कुल इसको अपने चेस्ट में जो छुपा के रखना है। हाँ। और सिर्फ मुझे अपने हिप्स उठाने। सही है। ओ भाई साहब टैप नहीं करेगा तो बस ये इसकी ये इंजरी होगी, ये टूट जाएगी इसकी। टूटा तो नहीं भाई? ओ भाई साहब ये किसी को आपने ऐसे उठा के फेंक दिया ना उसकी तो पोटी निकल जाएगी। बात तो सही है। अरे भाई साहब अरे भाई साहब ओ भाई अरे ओ भाई आराम से। अबे भाई साहब ये तो हल्के में ही नहीं आ रहे कोच साहब। अब धमाका होगा, ये जब गिरते हैं धमाका होता है। ओ भाई साहब ओ भाई साहब फुल खतरनाक लोग हैं, यहाँ इन लोगों के साथ अगर आपने पंगा ले लिया ना तो हो जाओगे नंगे। ओए होए सोचो किसी के साथ ऐसा हो, कोई फेंके तो उसकी वाट लग जाए। मैंने बोला गया ये ऐसे करके आंबर आते हैं यार जाकिर भाई, आप क्या हल्के में ले रहे थे। इसको जो हम कर रहे हैं इसको ब्राजीलियन जिजित्सु कहते हैं। ब्राजीलियन जिजित्सु उठा के फेंक के धमाके दबा देना है।
खत्म। बिल्कुल, जैसे ये तो बिल्कुल ब्राजीलियन जुजुत्सु, इसमें सिर्फ हमें टेक डाउन करना है, किसी बंदे को गिराना है, फिर नीचे उसको पकड़ के रखना है, उसका गला दबा के ना उसका सांस रोकना है, जो हार माने। अरे मेडल लटके में, ये किसके हैं जरा ये तो बताइए। कुछ मेरे स्टूडेंट्स के, मतलब इतनी आसानी से आप बोले कुछ मेरे कुछ मेरे स्टूडेंट के, ये मेडल हासिल करना आसान है क्या? आसान तो नहीं है, सालों की मेहनत होती है भाई, फट जाती है। आप मेडल्स चेक करें माशाल्लाह जाकिर भाई के, जो सारे मेडल्स हैं कराची चेक मेड और ये सारे, इतनी सारी शील्ड है, ये तो एमएमए वगैरह भी लड़के आए क्या? वो तो फुल वो WWE की वो रखी है सामने प्लेट, वो एक केस फाइटिंग जिसे हम कहते हैं ना, यहाँ पर बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग मुथाई रेसलिंग जूडो जूजू और टेक्वांडो। मतलब आपके आपके भाई, आपने आपके भाई को हल्के में लिया? नहीं नहीं बहुत ज्यादा वो नहीं हो गया चौड़ा पे, ड्रेस ड्रेस पहनते हैं और फुल इनके साथ ट्रेनिंग करते हैं। आज जाकिर भाई दिखा देगा आप क्या चीज है और आपका भाई भी दिखाएगा। डन हो गया भाई, डन हो गया। यहाँ पे ना ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो हर चीज करते हैं दुनिया में। अल्लाह ताला ने बोला सब कुछ करो अगर मेरी इबादत नहीं छोड़ो तो मिलवा दो। जो बंदा डॉक्टर भी है और फुल लोगों को फाड़ भी देता है, सामने वाले को मार मूर भी देता है, फुल अंडे वंडे निकले हैं भाई हमारे ना जहनों में, एक ऐसी चीज बैठी हुई है हम लोग सोचते हैं भाई जिसका अंडा होगा जिसका सीना चौड़ा होगा जिसके सिक्स पैक्स ऐप होंगे उसी के अंदर ताकत होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो इस दौड़ से निकले हैं ना, एमएमए ग्रैपलिंग और जिजुत्सु ये सब चीजें करते हैं, किक बॉक्सिंग करते हैं ना, वो बॉडी की दौड़ से निकल चुके होते हैं, वो फिर बॉडी की दौड़ से भी आगे निकल चुके होते हैं, वो स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं और ऐसा मजबूत है इनका। ये डॉक्टर है, डॉक्टर कहीं से शक्ल से लग रहे हैं, अभी आप इनको देखो इतना लंबा सा चौड़ा सा डॉक्टर। एफसीपीएस पार्टनर में सर्जरी में गया, इंशाल्लाह मेरा फ्यूचर ऑर्थोपेडिक में परस्यू करने का, अभी रेजिडेंसी वगैरह स्टार्ट हो गई, इंशाल्लाह फिर सर्जरी पेट भी खोलेंगे, भाई साहब वो भाई हड्डियां तोड़ के फिर जोड़ भी देंगे, बस जबरदस्त हो गया आपका तो, डबल डबल धमाका हो गया। नहीं नहीं आपने भाई को हल्के में लिया, आपने भाई को हल्के में लिया। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको अगर अपनी बीवी से छुटकारा हासिल करना है और आप लोग अपनी बीवी से अगर तंग है तो आपको मैं एक स्टेप दिखाऊंगा, अगर अब आप लोगों ने ट्राई किया तो आप अपनी बीवी से आराम से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। देखिए माशाल्लाह ऐसे फेंकना है आराम से, अरे आराम से, अरे अभी उसके बच्चे भी नहीं हुए। में अगर देखा जाए ना इतना कोई वो नहीं, अवेयरनेस ही नहीं, लोग करना ही नहीं चाहते, पता नहीं क्यों डर रहे हैं लोग, असल इस वजह से डर है कि यार मुझे लग रहा है ये, और देखो जब वो देखो ट्राई कर रहे हैं लेकिन सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आप आओगे तो पता चलेगा। हां और मर्द तो वो होता है, मर्द तो वो होता है, अल्लाह ने उसकी ऐसी शान बनाई है वो जमीन में हाथ डाले जमीन पलट दे, बिल्कुल मर्द की वो शान है हकीकत। मम्मी डैडी आजकल के बच्चे बने हुए वो हल्का सा मेरी चोट लग गई, आजकल के लड़कों को ना बड़ा चौड़ापे होने का शौक है, बड़ा ऐसे चौड़े होकर घूमते हैं, वो अगर उनको इतनी लड़ाई झगड़ा करने का शौक है, मैं आता हूँ इधर आओ, इधर आके लड़ाई करो इनसे, लड़ो ये जो प्रोफेशनल लोग, किस तरह मार खाने की बर्दाश्त कैसे बर्दाश्त करना है, ये जो रोड पे लड़ाई करते हैं ना ये फारिग लोग हैं, ये तो लड़ाई तो आपको पता है कि फारिग काम ही किसका है, लड़ते भी कैसे यूं यूं बिल्लियों की तरह, चमाटे मारना ये वगैरह मारना, कल तो ये लड़ाई है ना ऐसे लड़ो फिर मजा भी आए, लड़ो भी और देखो एंजॉय भी, ये चेक करो अंडे शंडे ऐसे करके तो दिखाएं, ओ हो 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 कितने इंच का बाजू होगा, कभी आपने कभी नापा ही नहीं है भाई, चेक कर रहे हो आप, ये बॉडी की दौड़ से खत्म, आपका भाई भी, मैं दिखाऊं बॉडी कितनी पकड़ी है जरा, ये चेक करो, मानते नहीं मानते फिर भाई, आह अंडा, और ये करके दिखाएं ना आप ऐसे, चैसे लाके दिखाएं, हिलाएं हिलाएं हिलाएं, अरे भाई साहब क्या क्या हो रहा है, अस्तगफिरुल्लाह। अब आपका भाई जा रहा है ड्रेस पहनने के लिए और अब आपका भाई भी ग्रैपलिंग करेगा, और आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि यार मैं पहली बार आया हूँ, यार अक्सर आपका भाई यहाँ पे आता रहता है, जब ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा दिल चाहता है ना, तो मेरे घर के करीब भी है तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अब ड्रेस पहन के मैं आता हूँ फिर मिलते हैं। आपका भाई आ चुका है, अब जोश, अब आपका भाई दिखाएगा अंदर की फुर्ती, आप क्या भाई को हल्के में ले रहे थे, आओ अब फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आओ चेक करो भाई का लौड़ता पावा खतलावा, आ जाओ उधर अपुन फेंकेगा सबको, बहुत ज्यादा चौड़ा भी नहीं हुए, अरे भाई का भाई अल्हम्दुलिल्लाह किक बॉक्सिंग, बड़े बोलने अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए, किक बॉक्सिंग एमएमए क्रॉसफिट कैलिस्थेनिक क्यूकेशन एमएमए बहुत सारी चीज, ये सब आपका भाई अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। क्या बात है, अब पता चलेगा किसमें कितना है दम, आज आपका भाई कोच को ना बिछाड़ देगा, देखो कैसे लड़ रहे, अरे भाई आराम से, अरे भाई उसकी शादी भी हुई है अभी, ऐसे दबोच लिया कि बीवी दबोचेगी उसको, एहे रहा नहीं जाता, करो यहाँ पे सारी चीजें रखी हैं, ये टारगेट्स वगैरह हर चीज है यहाँ पे, ये बॉक्सिंग के टारगेट्स, ये देखें ये अजीब सा कोई टारगेट, ये भी बहुत सारे बॉक्सिंग के ग्लव्स, हर चीज यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पे वेट लिफ्टिंग वगैरह जैसे डेड लिफ्ट वगैरह मारनी होती है तो यहाँ पे हर चीज मौजूद है, फुटबॉल भी सामने रखी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे भाई, अगर आप लोगों को भी आना है ना इस जगह पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ पर लोकेशन डाल दूंगा, चस आ जाएगी आपको यहाँ पे ट्रेनिंग करके, अरे भाई ओ भाई लौड़ता पावा अख्तर लाल भाई साहब, अरे भाई साहब ये धमाका क्या हुआ, लगी तो नहीं ज्यादा नहीं यार
अबे भाई साहब ये तो फुल गरम हो गया आपका पेट मार मार के। ये देखो ये सोनू भाई और सोनू भाई की बेगम। अरे भाई साहब आराम से। ओए होए टैप आउट पहले ही दे दिया उसने। अबा डॉक्टर साहब बहुत आला डॉक्टर साहब आप छा गए भाई। मैं भी थोड़ा सा बॉडी वार्म अप कर लूँ उसके बाद फिर जाकिर भाई से अपना कॉन्टेस्ट होगा और जाकिर भाई देखेगा कैसे आपके भाई को उठा उठा के फेंकेंगे। जरा मैं स्ट्रेचिंग वगैरह कर लूँ थोड़ी सी ऐसे करके जाते थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें हम। अब आ जाओ अब वाट लगानी है जाकिर भाई की। हल्के में आ ही नहीं रहे मतलब भाई लड़े ही जा रहे हैं थकने का नाम ही नहीं है। ये होते हैं असल शेर। जाकिर भाई के साथ थोड़ा सा धक्कम पेलम करेंगे। आ जाओ। अरे मेरे कपड़े फट जाएंगे। अरे भाई साहब। अरे जाकिर भाई यार मैं बच्चा हूँ यार छोटा सा भी मेरी शादी भी नहीं हुई है। लसन लग गया मेरे लसन लग गया। यूं ही पहलू में देखे रहो। हट गई भाई ये तो वाट लगा दी मेरी। अब है नेक्स्ट राउंड। जाकिर भाई दे दो टैप आउट। हम नहीं देंगे भूल जावे। जाकिर भाई प्लीज भाई। जाकिर भाई मुझे पता है आप उस्ताद हो। बात भाई थोड़े उस्ताद हैं। जाकिर भाई दे दो। हम लोग कभी नहीं देते हैं। अबे शेर है भाई। आपके भाई ने डट के मुकाबला किया। I love you यार। अगर किसी तू दूसरी बीवी को आना है तो देखो उसका ये हाल होगा। खत्म। क्या हो गया? मेरी हालत खराब हो गई। वाट लग गई मेरी। सांस फूल जाती है इसमें बहुत। जो बंदा जाकिर भाई को ओपन चैलेंज है। जाकिर भाई को कोई भी नहीं हरा सकता गारंटी है। नेशनल चैंपियन हूँ। एशियन पार्टिसिपेट किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप पार्टिसिपेट किया मैंने। माशाल्लाह वर्ल्ड पार्टिसिपेट वाला बंदा आपके सामने जब खड़ा होता है ना आपकी टांगें यूं कांप रही होती। मेरी टांगें कांप रही। मजा भी बहुत अच्छा है ऐसे तो नहीं है। है बहुत अच्छा जानदार। मैंने आपको अच्छा लगा ना? हां नहीं बहुत जबरदस्त। आने से बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइट। ओ भाई साहब मेरा असल जो गेम है ना वो क्यूकुशिन ब्लैक बेल्ट कराटे और वाला सीन था। यहाँ आपका भाई जितने भी पंच खा लेना कुछ भी नहीं होता क्योंकि आपके भाई का गेम है। एक और एक और। बस 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 हवा निकल गई। देखा ना वो अपने गेम में बहुत बाप है। आपका भाई भी मगर अपने गेम में बहुत बाप है। जैसे हम कोई मार्शल आर्ट करते हैं ना जैसे आपका क्यूकुशिन है ना आपके स्ट्राइकिंग है ना किक पंच है ना और ये बिल्कुल लॉन्ग रेंज है ना दो बहुत दूर से। हाँ दूर से होता है बहुत दूर से। जैसे ना बॉक्सिंग किक बॉक्सिंग वो भी बहुत दूर से मारते। अब ब्राजीलियन जुजित्सु ऐसे जैसे कोई करीब आ जाए आपके फिर आपको पकड़ के मार। अब यहाँ से कोई क्विक किक पंच तो नहीं लगता बहुत। नहीं लगता नहीं लगता। और यहाँ से ये टेक डाउन करो। ग्रैपलिंग का मकसद यही है किसी को कोई बंदा करीब आ जाए उसको गिराना उसको गिराना उसको लॉक चॉक करना उसको पोजीशन नीचे उसको तब रोक के रखना। और आप क्या करते हैं? मैकेनिकल इंजीनियर भाई बैठे हैं ये तो फाड़ देने वाले। और आप? मेरा नाम डॉक्टर साद। डॉक्टर साद? अरे भाई साहब यार मेरी किडनी में दर्द हो रहा है। मैंने आईफोन लिया था ना वो उसकी वजह से किडनी ले गया वो। कुछ कर दो यार किडनी है आप। मैं दांतों का डॉक्टर। अबे यार अबे मेरे दांत कीड़ा लगा देखना जरा।
देख ना ये आपका दांत निकालना पड़ेगा। अबे नहीं भाई, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अरे हमारे डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। यार मेरी किडनी निकाल ली ना, वो पता है क्या हुआ? हाँ। वो जब मैं आईफोन लेने गया था ना, ये वाला, वो किडनी निकल गई। अभी नया आईफोन आया, दूसरी चाहिए आपके पास? है किडनी आप ही चाहिए? नहीं नहीं, आप लोगों के पास आती रहती है ना किडनी, वो आपको दे देंगे। पैसा ही पैसा हो गया, बहुत जबरदस्त हो गया उस्ताद आला। क्या करते हैं भाई? मैं कॉलेज में। चल हट। आप क्या करते हैं? यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हुआ क्या है आपके? एक तो ये देखें, ये चोट लगी हुई, ये चोट लगी हुई, और ये देखो ये कान टूटे हुए। जाकिर भाई के फुल कान मोटे हो रहे हैं, जैसे खबीब के होते हैं ना। ये देखें, ये देखें, ये कान टूटे हैं। ये आप इससे निकलवाते हैं पीप? हो जाए, जम हो जाती है। पहले मैंने बहुत दफा, चार पांच दफा निकाला। अच्छा, अगर भी सूख गया, अभी डेथ हो गया। इस पे फील नहीं होता आपको? अगर खून का वो नहीं है, फ्लो, ब्लड फ्लो नहीं है, आवाज तो आती है ना आपके? नहीं, आवाज आती है कान में। अच्छा, ये बस ये ना डेथ हो गया जैसे, मतलब ये इसमें फील नहीं होता ना? फील नहीं होता कुछ। पहले दफा टूटा था ना, हाँ, बहुत मोटा हो जाता, खून इतना मोटा हो जाता। हाँ, मैंने देखा था आपके। फिर मैंने उसका वो इंजेक्शन से उसका खून निकालना पड़ता है। ओए, चार पांच दफा ऐसा किया, मर जाता जैसे। नहीं, मेरा तो 8 साल की है। 8 साल की? हाँ, मैंने तो कम वक्त है, मगर 8 साल के अंदर मैंने 2-3 टाइम रोजाना मैंने ट्रेनिंग किया। रोजाना रात में 3 टाइम। और आप इतने मोटे हुआ करते थे वो तो? हाँ बिल्कुल, मैं ऐसे गोलगप्पा थे। हाँ बिल्कुल, मेरा वजन भी 105 होता था। हाँ, अभी कितना है? अभी है मेरे ख्याल में 77। ऐसी स्ट्रेंथ चाहिए जिंदगी में, जब ही कामयाब होगे। देखो, सेहत नहीं होगी ना तो जिंदगी में कुछ नहीं होगा। ऐसे ही अभी तक तो मैं ग्रैपलिंग कर रहा था, जो कि मेरा गेम नहीं है। मेरा गेम जो असल क्यूकेशन है, तो थोड़ी सी उसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मजा आ गया यार आज तो ट्रेनिंग करके। ग्रैपलिंग कर रहा था काफी देर से, क्योंकिशन की भी ट्रेनिंग की, दिल को सुकून मिल गया। पसीना चेक करें किस तरीके से आ रहे हैं, फुल खतरनाक किस्म के। मगर अभी भी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है। जिम वालों को मैं बुरा नहीं बोलता, बस जिम वाले जो है ना वो सुस्ती से ट्रेनिंग करते हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। जो चीज पसंद नहीं है बस उसको बोल देना चाहिए। वो ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं यूं यूं बस बैठ के। हमारा होता है फुल इंटेंस, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। इसमें बड़ा मजा आता है मुझे, मैं बचपन से ऐसी हरकतें करता आ रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। अबे पता चले मेरे वजन से फटी ना जाए, मेरा वजन भी तो 100 किलो है। अभी पता चले धमाका होगा, नहीं फटेगी इतनी आसानी से, नहीं फटती ये बॉल। बड़ा मजा आता है इसके साथ खेल के। मैं आपको अपना वजन दिखाता हूँ, मेरा वजन है कितना, चेक करो, चेक करो, गौर से देखो कितना जा रहा है, कितना है जाकिर भाई? तकरीबन 100 ऐसी, समझ रहे हो ना? 100 किलो का लगता हूँ मैं। आप कितने किलो हैं? 77 और 100 किलो देखें आप। यार मेरे पेट में ना लोहे का टुकड़ा खा लिया था मैंने बचपन से। हाँ, उसकी वजह से वेट ज्यादा हो रहा है, 100 किलो हो जाता है, पता नहीं क्या, वो इतना बड़ा टुकड़ा था लोहे का, तकरीबन 40 किलो का। निकल नहीं रहा है यार, वो निकल नहीं जगह छोड़। आज वैसे बहुत ज्यादा चौड़ा पे हुआ है यार, आप लोग कमेंट में माशाल्लाह लिख देगा जरूर। समझ रहे हो ना, मेरी अम्मा बोलती है और मेरी बेगम बोलती है कि यार फाद तुम्हें नजर लग जाएगी। अगर इस टाइप की और वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ। अल्लाह हाफिज़।